ब्लैक बक बॉस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखते हैं कि अपने ट्रक पर जीपीएस डिवाइस कैसे इंस्टॉल करें। तीन पिन सॉकेट सभी ट्रक मॉडल में उपलब्ध नहीं है। आइए हम पावर, इग्निशन और ग्राउंड तारों को जोड़ने की प्रक्रिया जानें। पावर, ग्राउंड और इग्निशन तारों से कनेक्शन बनाएं। इन तारों का रंग विभिन्न उपकरणों में भिन्न होता है। सही कलर कोड जानने के लिए उपकरण के साथ दिए गए मैनुअल को देखें। पावर के तार खोजना। पावर वायर के लिए पॉइंट का पता लगाएं, जो इग्निशन बंद होने पर भी एक स्थिर +12 वोल्ट प्राप्त करता है। इग्निशन तार ढूंढना। एक पॉइंट खोजें जो केवल 12 वोल्ट प्राप्त करता है जब ट्रक का इग्निशन चालू होता है और स्टार्टर लगे होने पर भी वोल्टेज नहीं गिराता है। इग्निशन के स्विच बंद होने पर वोल्टेज 0 होना चाहिए। ग्राउंड वायर को जोड़ना। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी चेक मोड पर सेट करें। चेसिस से जुड़े किसी भी मेटल स्क्रू या नट या बोल्ट से प्रोब को टच करें और दूसरे प्रोब को उस तार को टच करें जिसमें आप ग्राउंड वायर जोड़ना चाहते हैं। यदि आप कंटिन्यूटी प्राप्त करते हैं तो आप ग्राउंड वायर को जोड़ सकते हैं। आप ग्राउंड वायर को चेसिस से भी जोड़ सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप चेसिस से जुड़े किसी भी स्क्रू या नट या बोल्ट का उपयोग कर सकते हैं। स्क्रू या नट को ढीला करें और वायर को लपेटें और फिर से टाइट करें। चेक करें कि ग्राउंड वायर को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला स्क्रू या नट या बोल्ट पर कोई पेंट नहीं है जो कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम कर सकता है। अब देखते हैं कि जीपीएस डिवाइस को कैसे इंस्टॉल किया जाए। अपने ट्रक के स्टीयरिंग के नीचे स्थित बॉक्स को हटाकर कंसोल खोलें। यदि आपके ट्रक में कंसोल नहीं है तो आप आगे दिखाए गए कदमों के साथ इंस्टॉल करना शुरू कर सकते हैं। यह बिजली का तार है। इस 3-पिन सॉकेट में इग्निशन स्विच, पावर, कट ऑफ और रिले सॉकेट्स होंगे। यहां दिखाए गए अनुसार डिवाइस के पावर सॉकेट को पावर सॉकेट से कनेक्ट करें। यह इग्निशन कनेक्टर है। अब इग्निशन कनेक्टर को दिखाए अनुसार कनेक्ट करें। फिर पावर सॉकेट को ट्रक के पावर सॉकेट के दूसरे साइड से कनेक्ट करें जैसा कि दिखाया गया है। यह 24 वोल्ट रिले है जिसे यहां दिखाया गया है। हालांकि यह ट्रक के मॉडल के आधार पर 12 वोल्ट रिले भी हो सकता है। इस रिले को दिखाए अनुसार रिले कनेक्टर से कनेक्ट करें और जांचें कि यह ठीक से जुड़ा हुआ है। यह जीपीएस डिवाइस है जो आपके ट्रक को ट्रैक करता है। इस जीपीएस डिवाइस कनेक्टर को कनेक्टर सॉकेट से कनेक्ट करें जैसा कि दिखाया गया है। यह अर्थिंग वायर है। इस अर्थिंग वायर को ट्रक के नट या बोल्ट या स्क्रू से जोड़ा जाना है जिस पर पेंट नहीं किया गया है। इस नट का इस्तेमाल अर्थिंग के लिए किया जा सकता है। नट को ढीला करें और अर्थिंग वायर को कनेक्ट करें और अर्थिंग नट को टाइट करें। अब दिखाए गए अनुसार ट्रक के डैशबोर्ड में डिवाइस को फिक्स करें। याद रखें, डिवाइस को फ्लैट रखें जैसा कि यहां दिखाया गया है और डिवाइस को और टैग का उपयोग करके कसकर बांधें। ट्रक में जीपीएस की इंस्टॉलेशन अब पूरी हो गई है। अब जीपीएस डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए ब्लैक बक बॉस सपोर्ट टीम को कॉल करें और ऑपरेटर द्वारा निर्देशित चरणों का पालन करें। ब्लैक बक बॉस द्वारा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।